हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह उठा और मेरे को न्यूज़ मिला कि आज हमारे घर पे पानी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बारिश की वजह से सब जगह पानी भर गया था और जहाँ पे पानी का ही मेन सोर्स था उधर भी पानी भर गया। तो इसकी वजह से आज पानी नहीं आने वाला है और बोल रहे 12 बजे थोड़ा पानी छोड़ेंगे। तो कितना भरेगा टाँकी उसके ऊपर है, क्योंकि कल से जो पानी है वही अब तक चल रहा है हमारे घर पर। तो पानी बहुत ज़्यादा ही कम है, पीने का भी पानी नहीं है, तो ऐसे तो एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर से ये सब सामान और उसके ऊपर से पानी भी नहीं है, तो और एक प्रॉब्लम ऐड हो चुका है आज। तो कोई नहीं, थोड़ा सहन कर लेंगे और अपना इसका व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ना, आज सब हम लोग ट्रेडिशन में आज हम लोग जा रहे हैं एक रिलेटिव के यहाँ पे। रियान अपनी कज़न सिस्टर से मिलेगा आज पहली बार, नहीं उसके जैसे ये छोटे छोटे सब है ना, आज बच्चा पार्टी होगी। पर ये बारिश ने भाई साहब हाल ख़राब कर दिया है, कितनी बारिश हो रही है, ये तो BMC का पानी यूज़ करने में भी डर लगता है। तो ये हमारे वहाँ के वॉचमैन है, शायद से पानी छोड़ रहे, तो देखते पानी आता है कि नहीं। बहुत कम टाइम के लिए देने वाले पानी, जल्दी जल्दी भर लूँगा मैं, पीने का भी पानी नहीं है तो सब फटाफट भर लूँगा। अब तक तो आया नहीं है पानी, नहीं तो मम्मी ने नल चालू रखा है, जब पानी आएगा तो फटक से फोर्स कर, मेरे को समझ आएगा कि पानी आ चुका है तो मैं भर लूँगा फटाफट। चलो अंकल छोड़ो, पानी छोड़ो अंकल, ओ अंकल छोड़ो ना, थोड़ा तो दे दो ना अंकल। कैसा है ना, देखो इतना बारिश है, बारिश इतना पानी है पर घर में पानी नहीं है। सुबह उठ के मैंने यही सोचा है सबसे पहले, 20 दिन में पैसा डबल वाला पोस्ट दे रहे अंकल, तो 21 दिन में पैसा डबल। वाटरफॉल तो इधर ही बह रही है, पानी का नल चालू हो चुका था अभी बंद हो गया, मम्मी लेके चली गई उसको लगता है। सही है, टॉयलेट कहीं भी कर सकते, छोटे थे तब कहीं भी कर लेते थे, बड़े हो गए शर्म आ गई, शर्म एक फैक्टर ऐड हो गया। पानी आ चुका गांव वालों, पानी भरो, चलो मशीन चालू कर लेता हूँ, क्योंकि मशीन में पानी नहीं भरा था सुबह आज। कैसे भरते मेरे को नहीं पता है, ट्राई करता हूँ फिर भी कुछ तो करके। चला गया पानी, ये क्या मजाक कर रहे क्या? है पानी है, तब तक ये भर लेता हूँ पानी, पीने का पानी भर लेता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। मशीन क्यों चालू हो रहा है, टंकी तो भर जाएगी अपने आप, पीने का पानी भी भर रहे हैं, तब तक ये बाल्टी भर लेता हूँ नल से फटाफट, बॉटल्स भी भर के रख लेता हूँ, क्या पता कल भी पानी फिर से ना आए। तो अब मुझे यही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि पानी तो भर नहीं रहा है मशीन में, तो पाइप डाल के भर देता हूँ, देखते हैं पाइप पहुँचता है कि नहीं। पहुँच तो रहा है, ये लिंक टूट ना जाए बस, उधर पहुंचा। हाँ गिरा, शिट, यही होता है, चलो भरने देता हूँ इसको। तो अभी हम लोग नए घर पे चले जाएंगे, वहाँ पे तो पानी का प्रॉब्लम है नहीं, मतलब 24 hours पानी आता है, पर हम पानी का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10 years रहे, बहुत संभाल संभाल के हम लोग पानी यूज़ करते थे, मतलब नल चालू किया फटक से यूज़ हो गया, फटक से बंद कर देना एकदम स्लो पे चालू करके, मतलब हम लोग को पानी की कीमत बहुत अच्छे से पता, उधर कभी हम भूलेंगे नहीं उसको, ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे कि पानी सेव करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली टाँकी में पानी भर रहा हूँ पाइप से, ताकि जल्दी भर जाए, क्योंकि आधी भरी और क्या पता कभी भी पानी जा सकता है। तो मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, ये बाल्टियाँ भरने से अच्छा मैं डायरेक्टली इसमें भर रहा हूँ टाँकी में, फिर टाइम हुआ तो बाल्टी भी भर लूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए इतना कर रहा था क्योंकि देखो पानी चला गया, ही इज नॉट ब्रीदिंग, मतलब पानी चला गया, अभी हिल रहा था बहुत ज़्यादा, तो इतना करने के बाद भी इतना ही भरा पानी, काफ़ी कुछ भर लिया है, आज के दिन तो चल जाएगा, बस कल पानी आ जाना चाहिए, आज तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मिशन सक्सेसफुल। मम्मी कर दिया मैंने, मम्मी ने मेरे को सब टिप दे के रखा था क्या क्या फटाफट भरना है, फटाफट भर लेना हो जाएगा काम। Done. ये देखो ये रियान के सब कजिन सिस्टर्स है। हेलो हेलो, हाय करो, हाय हाय कर निशी, हाय हाय, आई एम बाबी,
भाभी अंकित गांधी नाइशा तू बोल तो सही जो रियान इज सो मच हैप्पी सब लोग रियान के साथ टॉय शेयर कर रहे देखो नाइशा टॉयज वापिस रियान ने ओ भाई देखो बोल देखो देखो ये छोटा ऐसे तो ये कभी भी घर पे टॉयज के साथ खेलता नहीं और कुछ नया दिख जाएगा तो इतनी सारी लड़कियों के बीच में उसको तो बहुत पसंद है लड़कियां अच्छा ये रमो रियान लड़कों के पास रहता ही नहीं है इतनी सारी गर्ल्स है देखो आज उसको कितना मजा आ रहा है चलो बजा बाय करो रियान ने टाटा रियान रियान टाटा बाय भाभी निशी टाटा आता जो जबरी हो नाइशा बाय अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे रियान अपनी कजन सिस्टर्स को पहली बार मिला जब से बॉर्न हुआ तब से अभी रिक्शा ढूंढना है यार घर पे आके इसको अलग ही सॉर्ट ऑफ सुकून मिलता है ना मम्मी तो आज है मम्मी उधर रुके वो शाम को आएंगे मम्मी की बहन का घर था हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे मम्मी वहाँ पे रुके अभी वो रात को आएंगे सीधा अभी एकदम नींद में आ गया है इसको सुला देती हूँ वरना मेरे को परेशान कर देगा ये चेंज कराना पड़ेगा बहुत गर्मी लगती है इसको डर तो तू ऐसा कुछ नहीं कर रहा था भाई एक जगह पे बैठ ना थोड़ा ऐसे बैठ तो मैं तेरे को चेंज कराती हूँ उधर तो ऐसे चिपक गया था एक ही जगह पे घर पे आके शेर बनते घर के शेर है ये सब घर के शेर बाहर जाके बिल्ली बन जाते भाई साहब मैं तो पूरा आके ना 2 घंटा सो गई मुझसे पीने का मन कर रहा है उतना गरम गरम ना बटाका वड़ा खाने का मन कर रहा है देखते क्या बनाते हैं आज विशाल रात तो सुखा हो जाओ ये यहाँ पे देखो कितना मस्त व्यू है ये विंडो ना खुली रहती है ना तो इतनी मस्त हवा आती है यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पे इतना बोरिंग काम करते रात को क्या खाना है मैं वो पूछने के लिए आई थी जो मम्मी नहीं है यहाँ पे जो बना सब बटाटा वड़ा खाना है तो बटाटा वड़ा खाना तो पाव लेने जाना पड़ेगा तो पाव लेके आया वो सब मैं करूँ इसे जाने को बोल रहा है मेरे को मैं काम कर रहा हूँ तो तेरे को जाना पड़ेगा सही बात है वैसे तो वो तो जाएगा नहीं मेरे को ही जाना पड़ेगा ओ भाई मेरा बच्चू कहाँ है मेरा बच्चू आया ताली दे रियन ताली दे अरे ताली नहीं दे रहा है गंदा ललका आज बच्चों क्या खाएगा आज बच्चों के लिए क्या बनाओ बोलो बच्चों के लिए क्या बनाओ ये कौन सी चीज है किसी को पता है तो बता दो प्लीज मुझे बेड पे बैठी रहूं ऐसे बाजू में एक चाय का कप हो और ये सुन रहा हूँ या गाने सुनती रहूँगा जो मज़ा आएगा भाई साहब पर काम तो करना पड़ेगा पेट की बात है भाई काम तो करना पड़ेगा चाय रेडी नाश्ता भी रेडी जो मैदा ख़त्म कर चुकी हूँ तो चाय जाकर विशा को दे देते हैं दरवाज़ा खोलो डैडी मैं रियान को लेके ना विशाल को चाय देने आई थी और ये इसने सब गिरा दिया इसको लेके ना कभी इसे चाय उठा के नहीं जाना चाहिए बहुत विलम डुलम करते रहते हैं हमेशा रियान की ये चोटी देखो इसको देख के ना मेरे को राजपाल यादव की याद आती है
कौन सा मूवी था वो, भूल भुलैया, भूल भुलैया में वो उसकी चोटी थी ना वैसी मेरा बच्चा चोटी नीचे शेंडी 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 अभी इस घर से जल्दी जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है क्योंकि जब से पैक किया ना सामान ऐसे मन हो रहा है बस जल्दी जल्दी चले जाए ऐसे, और आज पानी भी नहीं है इसकी वजह से और ऐसे सब थॉट्स आ रहे। अभी मैं शेक बना रहा हूँ, टाइम कुछ 7:30 हो रहा है अभी के, और घर पूरा बिखरा हुआ ही अब तक, मतलब जब तक शिफ्ट नहीं तब तक ऐसे रहने वाला है, क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी सामान ही है, ऊपर इधर सब जगह सामान पड़ा हुआ है, और दो दिन ओनली 2 days लेफ्ट। ये प्रॉब्लम अब तक रही है, फर्स्ट वीडियो में भी बोला था मैंने ये कि ये नहीं निकलता है। और मेरे को मेरे हाथ खराब करना पसंद नहीं है इसके लिए, पर इसका और एक सलूशन है मेरे पास। ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है, तो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगता है, पर बचाना पड़ता है, इतना सब पीनट बटर थोड़ी फेंक सकते हैं। आज ना इस बच्चे को नींद भी नहीं आ रही है, मतलब नींद बहुत आ रही है पर सोना नहीं है भाई साहब को, इतना परेशान कर रहा है। शाम जब से उठा है ना, मतलब कितने बजे पता है, पहले 5 बजे उठा और फिर तब से लेके अब तक सिर्फ जाग रहा है और खा रहा है। इतना सारा खाया, पॉटी भी कर ली, पर अभी तक भाई साहब सो नहीं रहे है, नींद तो बहुत भरी आँख में है, देखो बस ऐसे ही परेशान कर रहा है कब से। सो जा भाई, सो जा, थोड़ा सो जा, नहीं सोने का है देखो, देखो नहीं सोने का है, तो एटलीस्ट परेशान तो मत कर। थक चुकी है मम्मी, यूजुअली ऐसे सो जाती है, सो गई थक चुके थे बहुत, कल ज्यादा ही काम किया था ना, तो मम्मी तो आज सुबह भी जल्दी उठ गई थी। चलो तो पार्टी अपने वीडियो एंड कर, अगर वीडियो गमे हो तो लाइक ने बटन दबाना है ना, वो करी नाखो, आज भूखे में थोड़ा डाउन है, कम है मम्मी बहुत डाउन है, बैटरी बहुत डाउन है मम्मी का, सुई जाने यार, तू सुई जाने भाई यार, सुई न जती तो मगा तो मुंह रख जाओ यार, सुई जाने काला आराम से उठ गई, काई न थई जानो, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती इतना काम करने के बाद भी, फिर